अलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं होंगे खुश और आबाद होंगे, और अल्लाह आपको इसी तरह से खुश रखें, आबाद रखें। आज मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका ब्लॉग्स, और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जो है वो डेली रूटीन लेके आई हूँ। जिस सिंपल सी लाइफ है मेरी यहाँ पे, और मैं कोशिश करती हूँ कि लाइफ जितनी सिंपल और जितनी आसान हो, और मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, डेली कुकिंग रूटीन शेयर करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप उससे जैसे मैं भी हर किसी से सीख रही होती हूँ ना। हमारी लाइफ तो यही है कि सीखते सीखते गुजर जाती है। तो आप लोगों के साथ आज मैं बना रही हूँ जी दाल गोश्त बना रही हूँ, चने की दाल और गोश्त बना रही हूँ, और साथ में जो है वो चिकन बना रही हूँ, और सिंपल पुलाव होगा, साथ में रायता होगा। यहाँ पर कोशिश करूँगी बिरयानी बना लूँ, पुदीना वगैरह घर पे पड़ा हुआ है तो उससे अच्छी बन जाती है बिरयानी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, हो सकता है फिर वो मेन्यू थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आपने लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपने जो बेल आइकन को भी टच करना है और नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, और अपनी दुआओं में जो है वो मुझे याद रखना है। तो जी अभी स्टार्ट करते हैं कुकिंग, और अभी थोड़ा प्लान मेरा चेंज हो गया था, और प्लान इस तरह से चेंज हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो मैंने सोचा कि जब चने की दाल खाने को दिल कर रहा है तो हम लोग दाल और चिकन यानी कि दाल गोश्त बना लेते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जो मैंने बनाना था कि मैं मीट बनाऊंगी, तो मीट फिर मैंने डिफ्रॉस्ट करके काट के धो के रख दिया था कि नेक्स्ट अगर कुछ बनाना हुआ तो फिर हम लोग जो है वो फ्रिज से निकाल लेंगे जी। तो आज फिर हमने मास्क लगाने शुरू कर दिए, यहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है बिकॉज़ अगेन कैनेडा की वाइल्डफायर की वजह से। सो अभी मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट, मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी, सो इस वजह से जा रही हूँ। मुझे लग रहा था ना कि प्याज थोड़े कम है और चावल भी थोड़े कम थे, सो मैंने सोचा कि चलो की फूड से जाके हम लोग जो हैं वो ले आते हैं, राइस ले आते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो चने। मेरा दिल कर रहा था कि अगर घर में ना होता है ना कि एकदम से कोई मेहमान आ जाए तो बंदा जो है वो चाट बना लेता है या दही भल्ले बना लेता है, तो चने लेके आई थी। इसके अलावा जो है वो जिंजर एल एक ली थी, और साथ में जो है ये जो स्वीट योगर्ट होती हैं ये योगर्ट सेल पर लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ले लेते हैं। और फिर जी घर में आके मैंने जो है वो सालन बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो बड़े बड़े प्याज काटे थे, उनको मैं जो है वो ब्राउन कर लूँगी, और ये शान का जो दाल मसाला है ये मैं यूज़ करूँगी, और ये बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि प्याज ब्राउन किए हैं और उसके अंदर मैं ये साबित गरम मसाला जो है वो ऐड करूँगी, और आज जो है वो थोड़ी सी अदरक ऐड कर रही हूँ इसमें, और लहसुन है इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो कूटूंगी। अच्छा समटाइम्स बंदा जो है ना बड़ा परेशान हो जाता है, पता नहीं मुझे ना इस तरह लगता है कि अब मैं मशीन निकालूंगी फिर मैं उसके अंदर ब्लेंड करूंगी, तो फिर मुझे यही लगा कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हाथ से ही जो है ना इसको पीस लेते हैं और फौरन से हो जाएगा। और दाल चने की जो है वो मैंने भिगो दी थी, और बाकी बस इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से देखें ब्राउन किया है। इसके अंदर मैंने अब गरम मसाला डाल दिया है ताकि वो गरम मसाले की जो खुशबू है ना इसके पूरे ऑयल और प्याज़ों के अंदर जो है चली जाए, और इससे जैसे कि लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आपको बोला था कि इससे जो है ना आपका सालन बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने अब वो दाल मसाला तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं, हल्दी मिर्च और इसके अंदर जो है ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, और बस उसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर जो है बहुत बड़े साइज़ का टमाटर है, टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, और टमाटर अगर बड़ा नहीं है तो फिर आप 3 लेंगी, और मेरे पास क्योंकि बड़ा था तो इस वजह से मैंने जो है वो 1 लिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ताकि ये टमाटर थोड़ा सख्त था लेकिन ये टमाटर थोड़ा सा खट्टा भी था, तो इससे एक और ना बड़े मज़े किस्म का जो है ना वो दाल गोश के अंदर जो है वो टेस्ट आएगा। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी नमक। अच्छा नमक जब आप दाल मसाला डालते हैं तो फिर जो है वो आपने जो है ना नमक कम डालना होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस दाल मसाले के अंदर जो है उन लोगों ने जो है वो नमक ऐड किया होता है। सो बी केयरफुल बिकॉज़ मेरे साथ इसी तरह हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ कुकिंग एक्सपीरियंस, कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ये मसाला यूज़ किया था, तो मैंने क्या किया था कि मैंने मसाला यूज़ किया था और साथ में जो है ना वो नमक भी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ना दाल गोश्त मैंने जो बनाया था उसके अंदर ना नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। सो इस चीज़ की आप एहतियात कीजिएगा। और यहाँ पर अब हमने इसके अंदर
चिकन ऐड कर दिया है और अभी हम इसको भूनेंगे, क्योंकि ये गोश्त नहीं है, चिकन है। अगर आपने मटन भी लिया है ना, तो अगर आप मटन दाल बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि मटन को थोड़ी देर गला लेना है और फिर उसके बाद आपने जो है ना दाल ऐड करनी है, अगर आप खड़ी खड़ी दाल चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं बासमती राइस जो थे वो अपने उनको मैंने काटा और अब मैं यहाँ पर उनको साफ़ कर रही हूँ। होता है ना समटाइम अंदर छोटे मोटे स्टोन होते हैं, तो बेटर कि इंसान को देख लेना चाहिए कुछ है तो नहीं इसके अंदर। और अब मैंने वो जो चने की दाल जो है वो भिगोई हुई थी, अब हमने उसको चिकन के अंदर ऐड कर देना है। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपने मटन दाल बनानी है तो फिर आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा मटन को जो है वो गला लेना है और फिर आपने जो है ना वो एंड पे फिर दाल डालनी है। तो अब मैंने यहाँ पे गरम पानी इसके अंदर ऐड किया है ताकि मेरी दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए, और गोश्त जो है यानी कि चिकन जो है उसको भी मैंने काफ़ी जो है वो भून लिया था। और यहाँ पे देखें, अब मैं बना रही हूँ सिंपल आलू वाला पुलाव और उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 आलू लिए हैं जो कि मैंने छील के काट लिए हैं, और मैंने राइस लिए थे तकरीबन 3 ग्लास, और प्याज जो है एक मैंने मीडियम साइज़ का लिया था और उसको मैंने जो है घी और ऑयल के अंदर जो है मैंने ब्राउन कर लिया। और बिल्कुल सिंपल से मसाले यूज़ करूँगी, इसके अंदर भी मैं जो है वो ऐड करूँगी साबित गर्म मसाला और इसके साथ साथ जो गार्लिक है वो ऐड कर दूँगी। आज मेरा ना बहुत दिल कर रहा था कि दाल गोश्त के साथ जो है वो मैं मज़ेदार किस्म का जो है ना सिंपल सा पुलाव बनाऊं, क्योंकि उसमें दाल में इतने ज़्यादा मसाले हैं, तो इस वजह से मैं फिर चाह रही थी कि हल्का सा ना यानी कि ज़्यादा मसालेदार पुलाव ना हो। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन थोड़ा सा ऐड करूँगी, और मेरे पास जो है बम्बई बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था तो वो जो है मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। अब इतना ज़्यादा भी हम पुलाव में ऐड नहीं करेंगे कि जो है वो बिल्कुल जो है ना वो हमें मसाले मसाले वाले चावल लगें। तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था यहाँ पे, और अब मैं इसको भून रही हूँ आलूओं को। थोड़ी देर के लिए हम आलूओं को भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे और फिर गर्म पानी ऐड कर देंगे। आपके चावलों पर डिपेंड करता है, मैं तो ऐसे होता है कि अगर 3 ग्लास अगर मेरे चावल हैं तो मैं 4 ग्लास पानी डालती हूँ। तो मेरा रेशो जो होता है वो ये होता है। आप देखें, आप ये इतना सा पानी है, और कुछ लोग इंचेस से भी जो है माप रहे होते हैं। और साथ में अब मैं बना रही हूँ जी पुदीने और धनिए का जो है वो रायता बना रही हूँ, और दाल के लिए भी मैंने जो है वो धनिया काट लिया था। और अब देखिए मेरा पुलाव भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो पानी ड्राई हो रहा था, और मैं इसको चेक कर रही थी, और ये चावल जो है ना ये बहुत अच्छे थे। यहाँ पे देखें जी, अब इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया था और मेरा जो दाल गोश्त है या दाल चिकन है वो भी रेडी हो गया था। बहुत मज़े का था, वाकई जैसे मेरा दिल कर रहा था ना इसी तरह बना था। और मैंने जो है रायता भी साथ में बना लिया, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ना उसको शुरू से, जैसे कि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया कि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, तो जब वो छोटी होती थी ना तो मैं उसको जो है रायता बना के बहुत ज़्यादा खिलाया करती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा आदत है, और मुझे ख़ुद को भी जो है वो रायते की बहुत ज़्यादा आदत है। मेरे ना वॉइस ओवर में थोड़ी सी पीछे जो है ना वो फ़ैन की आवाज़ है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं भी ऑलमोस्ट, देखे मेरी कुकिंग हो गई थी और मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी, दैट्स इट, और मैं फिर आराम करूँगी, ऐसे नहीं होगा। और बच्चे जब खाना खाएंगे तो वो अपनी अपनी प्लेट ख़ुद वॉश कर लेंगे, और यही हमारे घर में होता है। फिर खाना खाने के बाद इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते और बच्चे जो हैं वो मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं उससे पहले जो है सारा कुछ जो मेरा कुकिंग के दौरान या वैसे जो बर्तन यूज़ हुए होते हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आज की जो दाल गोश्त है या दाल चिकन है वो वाकई बहुत मज़े का था। होपफुली आपको आज का जो लंच है ना वो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग मस्त ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये दाल गोश्त कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, अभी असर का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी है, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।